हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्स्ट्रा लेक्चर्स। आज हम पढ़ेंगे रेड ब्लैक ट्री इन डेटा स्ट्रक्चर। रेड ब्लैक ट्री एक तरीके का बाइनरी ट्री होता है, बाइनरी सर्च ट्री, जिसमें हर नोड को या तो उसका रेड कलर होगा या ब्लैक कलर होगा। हर नोड का कलर या तो रेड या तो ब्लैक होगा। अगर ऐसा बाइनरी सर्च ट्री है तो वो एक रेड ब्लैक ट्री कहलाता है। यहाँ पे रेड ब्लैक ट्री क्या है, एक सेल्फ बैलेंसिंग सर्च ट्री होता है। मींस ये ऑटोमेटिकली खुद को बैलेंस कर लेता है। जैसे ही कुछ इंसर्शन हुआ या कुछ डिलीशन हुआ तो वो ट्री खुद ही रोटेशन लगाने के बाद ऑटोमेटिकली अपने आप को बैलेंस करके रखता है हर इंसर्शन या हर डिलीशन पे। इट यूजेस सिंपल बट पावरफुल मैकेनिज्म टू मेंटेन बैलेंस बाय कलरिंग ईच नोड इन द ट्री आइदर रेड और ब्लैक। सिंपल सा फॉर्मूला रहता है, सिंपल सा मैकेनिज्म रहता है। रोटेशन लगाओ, रेड और ब्लैक प्रॉपर्टीज चेक करो और बैलेंस करते जाओ। यहाँ पे बैलेंसिंग की गारंटी ये रहती है, अगर कुछ भी इंसर्शन हुआ, डिलीशन हुआ, सर्चिंग हुआ तो वो ऑलवेज बिग ओ ऑफ लॉग ऑन एन रहना चाहिए। हर रोटेशन के बाद या हर जब भी इंसर्शन और डिलीशन होगा, रोटेशन लगाएंगे हम, उसके बाद हमारी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी आएगी, बिग ओ ऑफ लॉग ऑन लॉग एन। जैसे एक एग्जाम्पल दिया है यहाँ पे रेड ब्लैक ट्री का। ये ब्लैक नोड है और ये रेड नोड है, ये ब्लैक नोड है, ये रेड नोड है, तो ये डमी नोड्स हैं। तो यहाँ पे ब्लैक नोड और ये रेड नोड। अब रेड ब्लैक ट्री की कुछ प्रॉपर्टीज रहती है। सबसे पहले होती है रूट प्रॉपर्टी। रूट का कलर हमेशा ब्लैक होगा, ऑलवेज ब्लैक। रूट इज ऑलवेज ब्लैक इन कलर। इंटरनल नोड्स, रूट का कलर क्या रहेगा, ब्लैक रहेगा। इंटरनल नोड्स मतलब इसकी जो चाइल्ड रहेंगी, उसकी चाइल्ड रहेंगी, वो जो इंटरनली नोड्स रहेंगी चाइल्ड ऑफ रेड नोड मस्ट बी कलर ब्लैक। अगर रेड नोड है, सपोज ये रेड नोड है, तो इसका चाइल्ड हमेशा ब्लैक रहेगा। रेड का ब्लैक चाइल्ड रहेगा। यहाँ पे अगर सपोज रेड नोड है, उसका चाइल्ड भी रेड नहीं रह सकता है। दो कंटिन्यूअस सेम कलर की नोड नहीं रह सकती है, या दो कंटिन्यूअस रेड नोड नहीं रह सकती है। थर्ड प्रॉपर्टी है पाथ। इन ऑल पाथ देयर मस्ट बी सेम नंबर ऑफ ब्लैक नोड। कोई सा भी अगर हम पाथ देखेंगे, सपोज ये वाला पाथ देखा, तो यहाँ पे सेम नंबर ऑफ ब्लैक नोड होनी चाहिए। ये वाला पाथ गए, यहाँ पे भी दो ब्लैक नोड है, यहाँ पे भी गए, ये भी दो ब्लैक नोड है, यहाँ पे गए, यहाँ पे ब्लैक नोड का फॉर्मूला प्रॉपर्टी फिट नहीं बैठ रही है, तो ये वाले पाथ पे क्या है, दो रेड नोट है। वैसे भी दो रेड नोट कंटिन्यूअस में नहीं होनी चाहिए, तो अब हमें इसका कलर चेंज करना पड़ेगा। तो हमने किसका कलर चेंज कर देंगे, पैरेंट नोट का कलर चेंज कर देंगे। तो दो कंटिन्यूअस ब्लैक नोट हो सकती है, यहाँ पे दो है, इधर भी दो है और इधर भी दो है। हर पाथ पे सेम नंबर ऑफ ब्लैक नोड होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो हम उसको रिकलरिंग करते हैं और प्रॉपर्टीज चेक करके हम उसका कलर चेंज कर देते हैं। न्यू नोड, अगर कोई भी न्यू नोड इंसर्ट होती है तो वो रेड कलर की इंसर्ट होगी। अगर कोई भी न्यू नोड इंसर्ट हुई है तो वो रेड कलर की इंसर्ट होगी। फिर प्रॉपर्टी चेक करके हम रिकलरिंग करेंगे। नेक्स्ट आता है एक्सटर्नल नोड। जैसे जो लीफ नोड रहेगी, लीफ नोड जैसे जो लीफ नोड है वो ब्लैक कलर की होनी चाहिए। जो लास्ट की जो लीफ नोड रहती है वो हमेशा ब्लैक कलर होनी चाहिए।
बाइनरी सर्च ट्री, रेड ब्लैक ट्री मस्ट बी अ बाइनरी सर्च ट्री। ये प्रॉपर्टी ज़रूर होनी चाहिए हमारे रेड ब्लैक ट्री में कि हमारा रेड ब्लैक ट्री बाइनरी सर्च ट्री प्रॉपर्टी को भी फॉलो करे। अब रेड ब्लैक ट्री की ज़रूरत क्यों पड़ी? हमारे पास ऑलरेडी बाइनरी ट्री था, बाइनरी सर्च ट्री था, बी ट्री था, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? जैसे सपोज अगर बहुत बड़ा ट्री है तो उसमें किसी नंबर को सर्च करना या किसी नोट को या किसी आइटम को सर्च करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। जैसे सपोज ये एक ट्री का बाइनरी ट्री का एग्जांपल है, यहाँ पे हमें सर्च करना है 80। अब हम यहाँ पे पहले सबसे पहले रूट नोट को चेक किए, 10 से ग्रेटर है यहाँ पे गए, 15 से ग्रेटर है यहाँ पे गए, यहाँ पे हमें वो जो आइटम था वो नहीं मिला। तो अब हमने क्या करा, पूरे ट्री को ट्रैवर्स किया बट हमें वो आइटम नहीं मिला। हमें कितना टाइम लगा, बिग ऑफ लॉग ऑन लॉग एन, वो आइटम फिर भी नहीं मिला और हमारा टाइम भी गया। एक और एग्जांपल देखते हैं। सपोज ये एक बाइनरी ट्री है, यहाँ पे हमें 80 सर्च करना है, इससे ग्रेटर है, इससे 20 से भी ग्रेटर है, 25 से भी ग्रेटर है, तो राइट में मूव करा, 30 से भी ग्रेटर है और 40 से भी ग्रेटर है, तो यहाँ पे भी डेड नॉट होगी, इसके आगे कुछ भी नहीं है, बट हमें वो जो आइटम सर्च करना था वो अभी भी नहीं मिला। तो हमने इस पूरे ट्री को ट्रैवर्स किया बट हमें वो आइटम नहीं मिला, तो इसमें हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज हो गया। अगर यहीं पे हम बात करते हैं रेड ब्लैक ट्री की, तो वहाँ पे हमें सिंपल से एक या दो रोटेशन या एक या दो ट्रैवर्सिंग में हमें पता चल जाता है कि वो आइटम है कि नहीं है, इसलिए हमें रेड ब्लैक ट्री की ज़रूरत पड़ी। अब हमारे पास एवियर ट्री भी है, जो भी सेल्फ बैलेंसिंग ट्री है, सॉरी हाइट बैलेंसिंग ट्री है, फिर रेड ब्लैक ट्री की क्या ज़रूरत पड़ी? या एवियल ट्री और रेड ब्लैक ट्री में अगर क्वेश्चन आता है कि क्या डिफरेंस है, तो वो भी यहाँ पे हम जस्टिफाई कर सकते हैं। तो एवियल ट्री क्या है, एक हाइट बैलेंस सर्च ट्री है। रेड ब्लैक ट्री क्या है, एक हाइट बैलेंस बाइनरी सर्च ट्री है जो सेल्फ बैलेंसिंग है। यहाँ पे एवियल में क्या होता है, लार्ज सर्चिंग या कुछ इंसर्शन करना है ऑपरेशन, तो हमें पूरे ट्री को ट्रैवर्स करेंगे फिर इंसर्ट करेंगे या डिलीट करेंगे, तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। बट रेड ब्लैक ट्री में यहाँ पे क्या होगा, मैक्सिमम दो रोटेशन लगते हैं और वो आइटम हम सर्च या डिलीट कर सकते हैं। एवियल ट्री इज ए स्ट्रिक्टली बैलेंस्ड ट्री, या तो स्ट्रिक्टली बैलेंस्ड ट्री अगर समझना है तो हमने प्रीवियस लेक्चर में देख रखे हैं, मैं लिंक यहाँ पे मेंशन कर दूंगी। स्ट्रिक्टली बैलेंस्ड ट्री क्या होता है, या तो उस नोट के दो चाइल्ड होंगे या एक भी चाइल्ड नहीं होगा, आइदर टू चिल्ड्रन और नो चिल्ड्रन, तो ये स्ट्रिक्टली बैलेंस्ड ट्री है। रेड ब्लैक ट्री कंप्लीटली हाइट बैलेंस्ड ट्री नहीं होता है, मतलब इतना ज़्यादा उसमें अपन हाइट बैलेंसिंग फैक्टर ध्यान नहीं रखते हैं, इसलिए ये इजी होता है और ये लॉन्ग टाइम लेता है और ये कम टाइम लेता है। इंसर्शन इज इजियर इन एवियल ट्री, यहाँ पे इंसर्ट करना तो इजी है, और रेड ब्लैक ट्री में डिलीशन एंड सर्चिंग इज इजियर। एवरी एवियल इज ए रेड ब्लैक ट्री इफ वी कलर नोट आदर रेड और ब्लैक। अगर एक एवियल ट्री हमने बनाया है और अगर हम उसके नोट का कलर रेड या ब्लैक कर देंगे तो वो एवियल ट्री रेड ब्लैक ट्री में कन्वर्ट हो जाएगा, बट हर रेड ब्लैक ट्री एवियल ट्री नहीं होता है। हर एवियल ट्री एक रेड ब्लैक ट्री होता है, बस उसमें कलरिंग की जरूरत पड़ती है, बट हर रेड ब्लैक ट्री एवियल ट्री नहीं होता है। सो इतना अगर क्वेश्चन आता है रेड ब्लैक ट्री और एवियल ट्री, या व्हाई वी नीड रेड ब्लैक ट्री इफ वी हैव बाइनरी सर्च ट्री, एवियल ट्री, बाइनरी ट्री, तो वहां पे हम ये क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं। अब कुछ इंसर्शन के रूल है, अगर हमें कुछ इंसर्ट करना है रेड ब्लैक ट्री में
तो उस आइटम को इंसर्ट करने के लिए कुछ रूल है हमारे पास, चार रूल होते हैं। सबसे पहला होता है इफ ट्री इज एम्प्टी देन क्रिएट अ न्यू नोड एज रूट विच कलर ब्लैक। जैसे हमने देखा था प्रॉपर्टीज में हमेशा रूट नोड का कलर ब्लैक रहेगा, तो अगर ट्री एम्प्टी है तो सबसे पहला आइटम जो इंसर्ट करेंगे उसका कलर क्या रहेगा, ब्लैक। सेकेंड आता है इफ ट्री इज नॉट एम्प्टी देन वी क्रिएट अ न्यू नोड एज लीफ नोड विच कलर रेड। अगर ट्री एम्प्टी नहीं है, अगर कुछ आइटम इंसर्ट करना है तो हम एक नई नोड बनाएंगे, उसका कलर क्या रहेगा, रेड कलर। इफ पेरेंट ऑफ न्यू नोड इज ब्लैक देन एग्जिट। अगर न्यू नोड का पेरेंट ब्लैक है तो वहां पे हम इंसर्ट नहीं कर पाएंगे और एग्जिट ले लेंगे। फिर दूसरी प्रॉपर्टीज को चेक करेंगे, इफ पेरेंट ऑफ न्यू नोड इज रेड देन वी चेक कलर ऑफ पेरेंट सिबलिंग ऑफ न्यू नोड। अब हम अगर यहाँ पे सपोज ये रेड कलर है, ये प्रॉपर्टी अब हमारी फॉलो हो रही है, यहाँ पे अब हमें कुछ इंसर्ट करना है, सपोज यहाँ पे ये भी इंसर्ट था। अब यहाँ पे हमें इफ पेरेंट ऑफ न्यू नोड इज रेड, रेड पेरेंट है, तो अब हम पेरेंट सिबलिंग का कलर चेक करेंगे, इसका कलर चेक करेंगे। यहाँ पे अगर कुछ इंसर्ट करना है, यहाँ पे आइटम कुछ इंसर्ट करना है, अब हमने चेक किया अगर ब्लैक कलर होता तो एग्जिट ले लेते, अगर रेड कलर है तो अब हम पेरेंट सिबलिंग का, पेरेंट सिबलिंग मतलब इसके जो सिबलिंग है इसका कलर चेक करेंगे। अगर उसका कलर ब्लैक हुआ देन वी परफॉर्म रोटेशन एंड रिकलरिंग। सपोज इसका कलर यहाँ पे हमें कुछ इंसर्ट करना था, अगर इसका कलर ब्लैक हुआ तो यहाँ पे हम रोटेशन लगाएंगे और रिकलरिंग करेंगे। रिकलरिंग करने के बाद इसको हम रेड बना देंगे और ये बन जाएगा ब्लैक, क्योंकि पेरेंट, अगर हम यहाँ पे इसको रिकलरिंग नहीं करेंगे, इसको ब्लैक रहने देंगे, तो पेरेंट ऑफ न्यू नोड इज ब्लैक, यहाँ पे इंसर्ट करने के बाद अगर ब्लैक हुआ तो फिर हमें एग्जिट लेना पड़ेगा, इसलिए हम उसको रिकलर करेंगे और रेड को ब्लैक कर देंगे और ब्लैक को रेड कर देंगे। आगे मैं एग्जाम्पल में भी बताऊंगी किस तरीके से हम करते हैं, बस ये प्रॉपर्टीज ध्यान रखिए। इफ कलर इज रेड, अगर इसका कलर भी रेड होता, सपोज इसका कलर भी रेड होता, देन चेक पेरेंट ऑफ न्यू नोड इज रूट और नॉट, इफ नॉट देन रिकलर एंड चेक। अब हम चेक करेंगे इसका जो पेरेंट है, जहां पे हम इंसर्ट कर रहे थे उसका पेरेंट का जो पेरेंट है वो रूट है क्या, उसका कलर ब्लैक है क्या, अगर ब्लैक कलर है तो हम रिकलर करेंगे और रीचेक करेंगे, फिर से चेक करते हैं, दैट्स इट। अगर दोनों का कलर सेम हुआ तो हम उसके ऊपर वाले का चेक कलर चेक करेंगे, अगर वो रूट है उसका कलर ब्लैक है तो हम इसको रिकलर करेंगे, अगर नहीं है ब्लैक, सॉरी अगर रूट नहीं है, अगर ब्लैक कलर है तो हम रिकलरिंग करेंगे, इतना अब हमें ध्यान रखना है। तो एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं कि किस तरीके से हम इंसर्शन करते हैं और कलर चेंज करते जाते हैं। सो एक एग्जांपल है, यहाँ पे हम रेड ब्लड ट्री बनाएंगे, ये कुछ आइटम्स दिए हुए हैं, इनसे हम इंसर्ट करते करते एक रेड ब्लड ट्री जनरेट करेंगे। सो सबसे पहला है 10 इंसर्ट किया, ब्लैक कलर के लिए मैं ब्लू पेन यूज कर रही हूँ और रेड नोट के लिए रेड पेन। आप भी अपने अकॉर्डिंग इन पेन का यूज कर सकते हैं, या फिर जब भी एक नोट बनाएंगे अगर रेड कलर की बनेगी, सपोज ये रेड कलर की है तो उसके आगे रेड और ये ब्लैक कलर की तो उसके आगे ब्लैक भी लिख सकते हैं, ताकि अपने को समझ में आ सके। एग्जाम में भी जैसा कंफर्टेबल है वैसा हम कलर का यूज कर सकते हैं, रेड पेन का यूज नहीं करते हैं तो दूसरे कलर का यूज कर सकते हैं, ब्लैक कलर का या ब्लू कलर से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सो 10 इंसर्ट किया, 10 ब्लैक कलर है, हमेशा रूट नोट ब्लैक कलर की रहेगी। नेक्स्ट आया 18 इंसर्ट किया, हमेशा जो रूट जो नोड इंसर्ट करेंगे वो अब रेड कलर की रहेगी, तो ये रेड कलर की इंसर्ट करी 18।
नेक्स्ट उसके बाद सेवन, सेवन छोटा है, सेवन इंसर्ट किया। अब हम चेक करेंगे प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है। हाँ, यहाँ पे पेरेंट या रूट नोट का कलर ब्लैक है और दोनों लीफ नोट का कलर रेड है। नेक्स्ट इंसर्ट किया 15। जैसे ही हमने 15 इंसर्ट किया, अब 15 का कलर अगर रेड हुआ तो दो एडजेसेंट रेड नहीं हो सकती है और लीफ नोट का कलर हमेशा ब्लैक रहेगा। तो अब हम यहाँ पे रीकलरिंग करेंगे। रीकलरिंग करेंगे तो इसका कलर क्या हो जाएगा, ब्लैक। यहाँ पे देखते हैं 10, 18 ब्लैक हो गया और 15 रेड हो गया 7। अब नेक्स्ट आया 16। जैसे ही हमने 15 इधर इंसर्ट करेंगे, सॉरी 15 को हमें इधर इंसर्ट करना पड़ेगा, छोटा है। जैसे ही हमने 16 इंसर्ट किया, 16 इंसर्ट करने के बाद इसको रेड कलर करा, दो एडजेसेंट रेड हो गई और अब हमारा जो ट्री है वो अनबैलेंस्ड हो गया। तो अब हमें इसमें रोटेशन लगाना पड़ेगा। कौन सा रोटेशन लगाएंगे, एल आर रोटेशन में आर आर रोटेशन पहले लगेगा, देन एल एल रोटेशन लगेगा और साथ में रीकलरिंग भी करते जाएंगे हम। तो रोटेशन के बाद पेरेंट रूट नोट तो ऐसी रहेगी, इसका कलर ब्लैक हो जाएगा। फिफ्टीन इधर आ जाएगा और 18 इधर आ जाएगा। तो रोटेशन लगाने के बाद 16 यहां पे आ गया, 15 लेफ्ट में आ गया, 18 राइट में आ गया। 16 का कलर रेड है और 15 का कलर रेड है और 18 का कलर एज यूजुअल ब्लू था, ब्लैक था, ब्लैक ही है। तो यहाँ पे अब प्रॉपर्टी भी फॉलो हो रही है। नेक्स्ट उसके बाद 30 इंसर्ट किया। जैसे ही 30 हमने इंसर्ट किया, हमारा ट्री फिर हम चेक करेंगे। जैसे हमने 30 इंसर्ट किया वैसे हमने चेक करा, बैलेंस है क्या, हाँ बैलेंस है। नेक्स्ट उसके बाद 25 इंसर्ट किया। अब दो एडजेसेंट रेड हो गई तो हमें रोटेशन लगाना पड़ेगा, रीकलरिंग करनी पड़ेगी क्योंकि अनबैलेंस्ड हो गया है। तो यहाँ पे हमने रोटेशन लगाया आर एल रोटेशन में एल एल रोटेशन पहले लगेगा, लेफ्ट लेफ्ट देन राइट राइट रोटेशन लगेगा। तो रोटेशन लगाने के बाद ट्री हमारा कुछ इस टाइप का दिखेगा। सिक्सटीन, फिफ्टीन एज इट इज, ये यहाँ पे आ जाएगा, ट्वेंटी फाइव ऊपर आ गया, थर्टी राइट में आ गया और एटीन लेफ्ट में आ गया। अब कलर करते हैं। ये तो हमारा हो गया ट्री बन गया। अब इसमें कलर कैसे करेंगे, कलर करने के लिए हमें प्रॉपर्टी देखनी पड़ेगी। 10 रूट था, ब्लैक कलर ही रहा, 7 ब्लैक कलर था, 16 रेड कलर था, 15 रेड कलर था, बट अब 25 रहेगा तो 25 ब्लैक कलर हो जाएगा,
30 रेड कलर हो जाएगा और 18 रेड कलर हो जाएगा और 15 ब्लैक कलर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम कलरिंग चेक करेंगे। लीफ नोट रेड कलर की है, हाँ है, उसका पेरेंट ब्लैक नोट है, दो एडजेसेंट सेम कलर की रेड नोट तो नहीं है, नहीं है। तो इस तरीके से हमने प्रॉपर्टी चेक करी। अब नेक्स्ट इंसर्ट करेंगे 40 इंसर्ट करा, रेड कलर से इंसर्ट करेंगे, दो एडजेसेंट रेड कलर हो गई हैं, तो अब हमें फिर से रीकलरिंग और रोटेशन लगाना पड़ेगा। अब हमने 40 इंसर्ट किया, 40 इंसर्ट किया, रेड कलर की नोड इंसर्ट करी है। जैसे हमने 40 इंसर्ट किया, हमारा ट्री अनबैलेंस्ड हो गया, यहाँ से हमारा ट्री अनबैलेंस हुआ है, तो आर रोटेशन लगेगा। और अब इसको आर रोटेशन लगाने के बाद ट्री कुछ इस तरीके से दिखेगा, 16 अब रूट नोड बन जाएगी और ये लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएंगे। आर रोटेशन क्या करता है, जो अब रूट नोड है वो लेफ्ट में लेफ्ट चाइल्ड बन जाएगी और इसका जो लेफ्ट चाइल्ड था वो अब राइट चाइल्ड बन जाएगा, इसका राइट चाइल्ड बन जाएगा। तो देखते हैं, 10 जो रूट नोड थी वो लेफ्ट में आ गई, 10 का जो लेफ्ट था वो उसका लेफ्ट रहेगा और जो 16 का लेफ्ट था वो अब 10 का राइट बन जाता है। आर रोटेशन लगाना, रोटेशन हमने पहले प्रीवियस लेक्चर में देखे हैं। रोटेशन में अगर कन्फ्यूजन है कि रोटेशन कैसे लगाते हैं, कितने टाइप के रोटेशन होते हैं, तो वो आप प्रीवियस लेक्चर में जाके देख सकते हैं। अब 16 ऊपर गया, नेक्स्ट है 25, 18, 30 और 40। अब हम कलरिंग चेक करते हैं। 16 का कलर ब्लैक रहेगा, 10 का कलर रेड हो गया और 7 का कलर ब्लैक हो गया, ब्लैक कर देंगे, और इसका 15 का कलर अब रेड हो गया है। यहाँ पे 25 का कलर ब्लैक है, 18 का कलर रेड है, 30 का कलर रेड है और 40 का कलर भी रेड है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने चेक किया तो दो एडजेसेंट रेड नोट नहीं हो सकती है, तो इसको भी हमें रिकलर करना पड़ेगा। दो एडजेसेंट रेड नोट नहीं हो सकती है, तो रिकलर करने के बाद 25 हो जाएगा ब्लैक और 40 हो जाएगा, इसको अब हम चेक करते हैं। देखिए ऐसे बनाएंगे, 16 ब्लैक रहेगा, 10 रेड रहेगा, 7 ब्लैक रहेगा, 15 रेड रहेगा, 25 ब्लैक हो जाएगा, ब्लैक रहेगा, 30 ब्लैक रहेगा, 18 रेड रहेगा और 40 रेड रहेगा। तो इस तरीके से अब हमने रिकलरिंग कर दी। नेक्स्ट आइटम आता है 60 इंसर्ट किया, जैसे इंसर्ट किया वैसे ही हमारा ट्री जो है वो अनबैलेंस्ड हो गया। आर रोटेशन लगाएंगे बैलेंसिंग के लिए और दो एडजेसेंट रेड कलर नोड भी नहीं हो सकती, तो इसमें आर रोटेशन लगाएंगे। रोटेशन लगाने के बाद क्या होगा देखते हैं, 16 ब्लैक कलर है, 10 25 18 30 और ये 7 और 15। कलरिंग हम चेक करेंगे रोटेशन लगाने के बाद, 40 यहाँ आ जाएगा
और 30 लेफ्ट में आ जाएगा और 60 राइट में आ जाएगा। अब हम कलर चेक करते हैं। कलर के लिए 10 रेड था, रेड ही रहेगा। 7 ब्लू था, ब्लू ही रहेगा। 15 रेड था, रेड रहेगा। ओके, नेक्स्ट आएगा 25 ब्लैक हो जाएगा। नेक्स्ट आएगा 18 रेड रहेगा। नेक्स्ट आएगा 40 ब्लैक रहेगा, 40 ब्लैक हो जाएगा। और नेक्स्ट आएगा 30 और 60 रेड रहेंगे। ठीक है, अब हम चेक करेंगे क्या बैलेंस्ड है। हाँ, दो एडजेसेंट रेड नोट तो नहीं है, नहीं है। दो एडजेसेंट रेड नोट तो नहीं है, नहीं है। लीफ नोट रेड नोट है। तो अब हमारा ट्री बैलेंस्ड भी है और रेड कलर ट्री बन गया है। सो रेड ब्लैक ट्री क्या होता है, रेड ब्लैक ट्री की प्रॉपर्टीज क्या होती है, रेड ब्लैक ट्री में इंसर्शन कैसे करते हैं, एवियल ट्री और रेड ब्लैक ट्री में क्या डिफरेंस है, या रेड ब्लैक ट्री ही क्यों यूज करते हैं हम ज़्यादातर, और रेड ब्लैक ट्री कैसे बनाते हैं, ये सब हमने आज देखा। सो लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल एक्स्ट्रा लेक्चर्स। थैंक यू।